दोस्तों नमस्कार, आग से सुरक्षा फायर सेफ्टी। दोस्तों आप जानते हैं अगर आग लगती है तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, यहां तक कि जान तक जा सकती है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में एंकर कंपनी के सभी स्विचेस का फायर सेफ्टी फीचर्स चेक करने वाला हूं, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि उसमें फायर सेफ्टी फीचर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, और दिए हैं तो क्या वो पर्याप्त है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखेंगे, साथ साथ में उसकी अदर जो डिटेल है, चाहे स्विच है, सॉकेट हो, रेगुलेटर है, प्लेट है, वो भी मैं आपको दूंगा, प्राइस है, वारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कंचन कुमार चौहान रिपेयरिंग स्पेशल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है रोमा क्लासिक, ये है पेंटा मॉड्यूलर और ये है राइडर। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ है ये है पेंटा मॉड्यूलर स्विच। इसका मैं आपको पहले साउंड सुना देता हूँ, अपना साउंड सुन लिया। अब इसके बाद मैं आपको इसमें सबसे पहले जो बताया था फायर सेफ्टी फीचर्स, तो हम फायर सेफ्टी फीचर्स के लिए इसको पहले इसे पलटा देंगे। फायर सेफ्टी फीचर्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कि इसमें किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अर्थिंग का दिया हुआ पॉइंट, और ये है न्यूट्रल और ये है फेस, ये इसमें सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। इस कारण से क्या है कि किसी तरीके से इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कोई चांस नहीं है। IP20 प्रोटेक्शन है इसमें, ताकि ये ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके जो नट है वो अंदर दिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं हम कैप्टिव स्क्रू। कैप्टिव स्क्रू होने के कारण ये इसमें करंट लगने का भी खतरा नहीं है, प्लस इसमें शॉर्ट सर्किट होने का भी कोई चांस नहीं है। प्लस इसमें अगर आप इसमें छेद देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें आप 1.5 से 2.5 mm का वायर आसानी से आप लगा सकते हैं। प्लस ये जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है ये है फायर रिटार्डेंट। फायर रिटार्डेंट होने के कारण क्या है, इसमें आसानी से आग नहीं लगती है। अगर इसको आप 3 मिनट तक लगातार अगर जलाएंगे तो भी इसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन जो नॉर्मल वाला स्विच होता है और सॉकेट होता है उसमें आग लग जाती है। इसको दोस्तों टेस्ट किया जा चुका है कि इसमें आग लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसका मैं आपको एक उदाहरण दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग इंडिया लार्जेस्ट फर्स्ट फायर रिटार्डेंट सॉकेट। इसमें पेंटा मॉड्यूलर सॉकेट डज नॉट ड्रिप इवन आफ्टर 3 मिनट ऑफ कंटिन्यूस फ्लेम। लगातार 3 मिनट तक फ्लेम देने के बाद भी आप यहां देख सकते हैं कि इसमें आग नहीं लगी है, बहुत ही कम इसमें खराब हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल वाला होता है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जल जाता है। तो ये आपको मिल रहा है फायर रिटार्डेंट स्विच। इसमें मिल रहा है आपको IP20 प्रोटेक्शन, कैप्टिव स्क्रू, और ये जो है ये यूरिया बैक पीस इसमें लगा हुआ है। इसके होल भी इसमें बड़े दिए हुए हैं, और ये जो इसके अंदर मटेरियल है वो है ब्रास का मटेरियल यूज किया गया है। तो ये पूरी तरीके से फायर से सेफ है। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसको अगर हम कि प्लेट को खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये खुल जाती है। तो मैं इसको पहले फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। इसको फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए आप इसको ये इस तरह से देखिए, पूरा आप ऐसा मोड़ लीजिए, लेकिन ये खराब नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही ये मजबूत है। तो दोस्तों इसका जो है ये फ्रंट ओपनिंग है, फ्रंट जैसे ज्यादातर जो स्विचेस होते हैं उसमें यहाँ बैक ओपनिंग होता है, लेकिन इसमें क्या है फ्रंट ओपनिंग है। पेंटा मॉड्यूलर में अगर आपको खोलना है तो इसको आपको यहाँ फ्रंट से आपको इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा, सॉकेट भी इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहलाता है फ्रंट ओपनिंग। दूसरी बात यह है कि ये जो स्विच है ये मोटा स्विच है, मोटा स्विच है तो मतलब इसको आप कह सकते हो कि एक तरह से ये यूनिक स्विच है, ठीक है। यूनिक स्विच होने के कारण क्या है कि ये इसका एक अलग ही लुक आता है। तो दोस्तों इसको भी आपको कंटिन्यू इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके अलावा कोई दूसरा स्विच इसमें फिट नहीं बैठेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं आपको जैसे मेन अपना फोकस है कि इसमें आग ना लगे, तो आपको मैं फायर टाइट बता दिया। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक होती है MCB मॉड्यूलर MCB अगर आप इसमें लगाते हैं तो उसके कारण भी क्या है कि इसमें जो है आग का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है मॉड्यूलर MCB पर्याप्त मिल जाएगी। कौन कौन सी मिलेगी यहाँ पे आप देखिए, ये आपको 6 एम्पीयर से लेकर 32 एम्पीयर तक का सिंगल पोल और डबल पोल दोनों में आपको ये MCB मिल जाती है। ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि पावर पॉइंट मतलब पर पॉइंट प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए आप ISI मार्क है, पहली बात ये हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 तक का इसमें ये हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी है। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो दोस्तों
आग लगने का सबसे बड़ा एक फीचर होता है, कारण होता है, वो होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों से आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर आपका पर्टिकुलर कोई जगह पे आपका कुछ स्विच सॉकेट लगा हुआ है और वहां पे आप कोई काम करते हैं तो वहां ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होगा तो वो तुरंत उसको ड्रॉप कर देगा और आग नहीं लगेगी। और ये ISI बार तो है ही है। लॉन्ग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लाइफ, इसकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लाइफ है ये काफी लंबी है। IP20 प्रोटेक्शन इसमें भी दिया हुआ है। प्रोटेक्शन डिवाइस एडेड इन पेंटा मॉड्यूलर सीरीज, ये पेंटा मॉड्यूलर सीरीज में उसी के साइज का, क्योंकि ये कॉमन साइज नहीं है, मोटा साइज है, तो मोटे साइज के लिए ये इसमें पर्याप्त है। मतलब ये इसमें आसानी से बैठ जाएगी और ये सिंगल पोल और डबल पोल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पर पॉइंट प्रोटेक्शन सुटेबल विथ पेंटा मॉड्यूलर विथ मिनी MCB, इसको हम मॉड्यूलर MCB या मिनी MCB कहते हैं। इसको आप हर अपना जगह पे आप इसको लगा सकते हो। एडिशनल सेफ्टी दोस्तों, यहाँ पे आप एडिशनल सेफ्टी फ्रॉम पेंटा मॉड्यूलर टू सेफगार्ड योर वैल्यूएबल अप्लायंसेस। यहाँ पे आपका AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और गीजर, इसको भी ये आप मॉड्यूलर MCB से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये ISI मार्क भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइडर स्विच है, पहले इसका मैं आपको साउंड सुना दिया। ठीक है, अब इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका सेपरेट दिया हुआ है, इसका न्यूट्रल है, फेस है और अर्थिंग है, ये तीनों इसमें अलग अलग दिए हैं। तो इसमें भी सेम फीचर्स है, इसमें भी किस तरह का आग लगने का कोई खतरा नहीं है। इसमें भी जो जगह दी है उसमें 1.5 से 2.5 mm का वायर आसानी से आ जाएगा। कैप्टिव स्क्रू है, IP20 प्रोटेक्शन है। लेकिन इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये कहलाता है राइडर। राइडर होने के में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ये स्विच है ये कॉमन स्विच है। कॉमन स्विच होने के कारण ये इसमें आपका रोमा क्लासिक का जो स्विच है वो भी इसमें आसानी से लग जाता है। आपको इसमें और भी जो कंपनी के कॉमन स्विचेस है वो उसमें आप इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है, इससे आप इसको आसानी से ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि ये कितना फ्लेक्सिबल है। इसकी प्लेट ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये इसके साइड में दिए रहते हैं, इससे आपने इसको खोल लिया। अब ये देखिए, मैं इसको पूरा मोड़ के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल है और बहुत ही मजबूत है। ठीक है, अब इसको मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये अगर मेरे को स्विच को निकालना है तो ये किस तरह से निकलता है। तो निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसमें जैसे मैं पेंटा मॉड्यूलर में बताया था वो सामने से खुलता है, लेकिन ये सामने से नहीं, ये पीछे से खुलेगा। यहाँ पे इसमें ये दिया हुआ है, इसमें आप इसको इस तरह से नीचे करेंगे तो ये खुल जाता है। देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, या इस तरह की मदद से इस तरह से ये खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, लगाने के लिए भी ये लगाना तो बड़ा आसान है, इसको आप वहाँ पर जाके प्रेस कर दीजिए, ये लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको सेफ्टी सेंटर भी दिया हुआ है। ठीक है, और सेफ्टी सेंटर के साथ इसमें आपको मैं दोस्तों इसको मैं यहाँ पे ये इसको ऐसा लगा सकता हूँ, ये आसानी से लग जाता है और ये आसानी से निकल जाता है। ये भी जरूरी है ताकि ये अच्छे से निकल सके, लग सके, इसको आप वापस फिर लगा सकते हो। अब इसमें एक दिक्कत और ये है दोस्तों कि ये आपको जो राइडर है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्विच है, इसका प्राइस भी कम है। लेकिन दिक्कत इसमें एक ही चीज़ की आती है कि इसमें आपको किसी तरह की कोई कलर प्लेट इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ वाइट कलर का स्विच मिलेगा, इंडिकेटर में आपको सिर्फ रेड कलर मिलेगा, इसमें USB जो चार्जर मिलता है वो आपको सिर्फ 2100 mAh का मिलेगा। और इसमें आप मॉड्यूलर MCB अलग से नहीं दी है, जैसे रोमा की जो मॉड्यूलर MCB आएगी है ना, उसी को आपको इसमें लगाना पड़ेगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स इसमें भी वैसे ही है, आग से सुरक्षा वैसे ही है, IP20 प्रोटेक्शन से लेके इसमें आपका कैप्टिव स्क्रू है, फायर रिटार्डेंट इसमें आपका मटेरियल लगा हुआ है, यूरिया बैकपीस है, और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ब्रास का है। ठीक है, और इसमें जो छेद दिए हैं वो भी बड़े दिए हुए हैं। ठीक, अब मैं आपको रोमा क्लासिक का भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है रोमा क्लासिक, पहले आपको इसका साउंड सुन लीजिए और ये इसकी मैं प्लेट पहले आपको एक बार मजबूती दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों राइडर का स्विच लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि राइडर और ये दोनों कॉमन है बस, लेकिन इसका जो प्राइस है, प्राइस थोड़ा सा हाई है, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको पूरी तरीके से ये मोड़ दिया हूँ। देखिए मोड़ने के बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी तरीके से इसमें से सिलवटे और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसकी प्लेट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मजबूत है। ठीक, अब इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है सेफ्टी सेटर, इसमें आपको सेफ्टी सेटर मिल जाता है सॉकेट में। ठीक, अब इसमें अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो सेम है, इसमें भी आपको IP20 प्रोटेक्शन है, कैप्टिव स्क्रू है, इसमें आपको फायर रिटार्डेंट आपका दिया हुआ है मटेरियल, यूरिया बैकपीस है,
और इसमें जो ये जो दिए हुए होल ये बड़े बड़े दिए हुए ताकि उसमें 1.5 से 2.5 ओम का वायर आसानी से लगा सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर मैं इसमें प्लेट की बात करूं तो इसमें आपको हर तरह का इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है। इसमें आपको हर तरह के कई तरह के इसमें आपको कलर मिल जाएंगे प्लेट में, और इसमें आपको स्विचेस की थोड़ी सी रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ तक स्विच की बात है, इसमें 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर और 32 एम्पियर का इसमें आपको स्विच मिल जाएगा। इसमें आपको स्विच जो है वो व्हाइट है, ब्लैक है और सिल्वर तीन कलर मिल जाएंगे। सॉकेट आपको 16 एम्पियर, 25 एम्पियर मिल जाएगा। यूएसबी जो है इसमें 1000 mAh का सिंगल मॉड्यूल में और 2100 mAh का सिंगल मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। डबल मॉड्यूल में 2500 mAh का मिल जाएगा। इंडिकेटर इसमें आपको रेड, ग्रीन और ब्लैक तीन मिल जाएगा, और जो रेड वाला है वो आपको 2 मॉड्यूल में मिल जाएगा। फुट लेंथ की बात करूं तो इसमें 4 मॉड्यूल में आपको फुट लेंथ मिल जाएगा बॉक्स के साथ में, और इसमें ट्रेसा कवर आ जाएगा, और फुट लेंथ में आपको जो कलर मिलेंगे वो वार्म वाइट मिल जाएगा और वाइट मिल जाएगा। और एक चीज़ और बताऊं कि फुट लेंथ में इसमें आपको इमरजेंसी LED बल्ब मिल जाएगा उसमें 3 मॉड्यूल में, मतलब कि जो फुट लेंथ है अगर लाइट गोल होती है तो वो ऑटोमेटिक चालू होने वाला भी ये इमरजेंसी LED बल्ब मिल जाएगा। इसमें आपको मॉड्यूलर AC बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आपको ग्लास प्लेट मिल जाएगी, इसमें आपको सॉलिड वाइट, ब्लैक और सिल्वर की प्लेट मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें लगभग आपको हर तरह की जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों ये है रोमा अर्बन। ये रोमा अर्बन आप कह सकते हैं कि जैसे पेंटा मॉड्यूलर था अपना मोटा स्विच, उसी में ये एक उसमें हाई करके ये देखिए ये दिया हुआ है, और ये है पेंटा मॉड्यूलर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसी का, लेकिन इसमें जो है ना एकदम सॉफ्ट इसमें आवाज़ आती है। इसमें भी आपको सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे आपको। इसमें भी आपका IP20 प्रोटेक्शन से लेके, इसमें यूरिया बैकपीस से लेके, इसमें आपका ब्रास इसमें यूज़ किया गया है, और इसमें कैप्टी उसकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सारे आपको सेफ्टी फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप रोमा अर्बन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्राइस हाई है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कलर प्लेट मिल जाएगी, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सिल्वर है, ब्लैक है, और इसमें जो अदर कलर की प्लेट है वो भी आपको उसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बाकी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों ये पेंटा मॉड्यूलर है, इसका अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो ये आपको 20 से लेकर 25 रुपये तक के बीच में मिल जाएगा। ये आपको 28 से लेकर 30 रुपये तक मिल जाएगा। ये है राइडर और ये है रोमा क्लासिक, ये आपको 35 से लेकर 40 रुपये तक का ये आपको मिल जाएगा। और पेंटा मॉड्यूलर जो मैंने आपको रोमा अर्बन जो बताया था वो आपको 40 से 45 रुपये के बीच में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये सारे फीचर्स आपको किसी दोस्त को जानना चाहिए तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।